टी20 वर्ल्ड कप मैच में पहले भारत ने पाकिस्तान के जबड़े से जीत छीनकर बाबर सेना का घमंड तोड़ा, तो अब हरभजन सिंह ने बाबर आजम के चचेरे भाई और पूर्व खिलाड़ी कामरान अकमल की सारी अकड़ को मिट्टी में मिला दिया है। भज्जी का गुस्सा इतना हाई हो गया कि उन्होंने अकमल को एक पोस्ट के जरिए काफी हड़का दिया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर हरभजन सिंह ट्रेंड बना हुआ है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर पाकिस्तान के एक टीवी शो पर चर्चा चल रही थी। इसका हिस्सा कामरान अकमल भी थे, जिसमें उन्होंने कहा कि अर्शदीप सिंह 20वां ओवर फेंकेंगे और वो रन लुटा भी सकते हैं। ये कहते कहते उन्होंने सिख धर्म का अपमान करने की कोशिश की। कामरान अकमल ने भारत के बेटे का मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा, अब तो 12 बज गए। इसके बाद वो ठहाके लगाने लगे, जिसका वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा कटा हुआ है। फैंस भी लगातार कामरान अकमल पर भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन इसी बीच हरभजन सिंह ने इस वीडियो में कामरान अकमल पर भड़कते हुए एक पोस्ट में लिखा है कि लख दी लानत तेरे कामरान अकमल, तुम्हें अपना गंदा मुंह खोलने से पहले सिखों का इतिहास जान लेना चाहिए। हम सिखों ने अपनी माताओं और बहनों को बचाया था जब उनका आक्रमणकारियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। समय 12 बजे का था, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, थोड़ा आभार करो कामरान अकमल। देखते ही देखते भज्जी का ये ट्वीट चर्चा में आ गया और सोशल मीडिया पर फैंस कमेंट्स करने लगे। जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो खुद कामरान अकमल भी माफी मांगते दिखे। अकमल ने पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे अपनी हालिया टिप्पणियों पर गहरा खेद है और मैं हरभजन सिंह और सिख समुदाय से माफी मांगता हूँ। मेरे शब्द अनुचित और अपमानजनक थे। मैं दुनिया भर के सिखों का बहुत सम्मान करता हूँ और मेरा कभी किसी को ठेस पहुँचाने का इरादा नहीं था। मैं सच में माफी चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि कामरान अकमल ने ये पहली बार किया है, इससे पहले भी वो कई बार विवादों में रह चुके हैं। साल 2009 में अकमल और गौतम गंभीर के एक मुकाबले के दौरान भिड़ंत हो गई थी। पाकिस्तानी खिलाड़ी की हरकत के कारण गंभीर को काफी गुस्सा आ गया था। वहीं साल 2012 में भारत के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा से भी अकमल भिड़ गए थे। दोनों के बीच जमकर बहस हुई थी। अकमल ने एक इंटरव्यू में उस घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि हमारे खिलाफ मैच भारत के हाथ से निकल रहा था, स्थिति तनावपूर्ण हो रही थी, ऐसे में ईशांत शर्मा उन पर भड़क गए थे। अकमल ने आरोप लगाया था कि ईशांत ने उन्हें गालियां भी दी थी, उन्होंने माहौल को गर्म कर दिया था। हालांकि इन दिनों कामरान अकमल ने अर्शदीप सिंह को हल्के में आंकने की कोशिश की थी, लेकिन बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने पाकिस्तान के खिलाफ कमाल की गेंदबाजी की। इस खिलाड़ी ने 4 ओवर में 31 रन देकर एक विकेट लिया और इमाद वसीम को पवेलियन की राह दिखाई। आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह ने सिर्फ 11 रन खर्च किए और पाकिस्तान 6 रनों से मैच हार गया। अपनी इस परफॉर्मेंस की दम पर उन्होंने कामरान अकमल और पाकिस्तान को खामोश कर दिया है। इस स्टोरी पर आप अपनी राय में कमेंट के जरिए बता सकते हैं। साथ ही ऐसी ही और वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।